असां को फ्रेंड्स रोमानिया की एक आईटी कंपनी की तरफ से नई जॉब्स आई हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है, सादा है। वीडियो में आगे चल के आपको तमाम तरह डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा। चलते हैं, आपने क्या करना है, गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिखना है ilmcareer.com। तो वीडियो पूरी देखिएगा, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से ओपन करना है आपने। और इसके अलावा अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को दबा लें ताकि डेली की जॉब सबसे पहले आपकी तरफ पहुँचे और आप सबसे पहले अप्लाई कर पाएँ। इस चैनल पर तमाम तरह जॉब्स 100% गारंटेड होती हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वहाँ से तस्दीक शुदा होती हैं। यहाँ पे बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, मस्कट, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस कंट्री के लिए जो है आप अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा मुख्तलिफ कंट्री के लिए मुख्तलिफ जो है रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपने ज़रूर यहाँ से रीड कर लेनी है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहली पोस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, आईटी जॉब्स इन रोमानिया, रोमानिया वर्क वीज़ा फॉर पाकिस्तानी। रोमानिया की तरफ से काफ़ी जॉब्स आ रही हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पाकिस्तान का रोमानिया के साथ, उनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में लेबर चाहिए। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे जो है वो तमाम डिटेल्स सामने आ जाएंगी। वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं आपको बता चलूँ कि रोमानिया की तरफ से जो जॉब्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रोमानिया का पाकिस्तान के साथ और काफ़ी ज़्यादा उनको वर्कर्स की ज़रूरत है मुख्तलिफ शोबाजात में। तो इसीलिए जो है वो बार बार जॉब्स आ रही हैं, कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आती हैं तो कभी ऑफिस जॉब्स आती हैं, तो कभी जो है वो मेंटेनेंस जॉब्स आती हैं, तो कभी आईटी में जॉब्स आती हैं, कभी जब फार्म की जॉब्स आती हैं, तो कभी फैक्ट्री की जॉब्स आती हैं। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात और, इसका कुछ ना कुछ ख़र्चा होता है। काफ़ी लोग मुझे ये मैसेज करके बोलते हैं कि आपने जो है वो बोला होता है मुनासिब ख़र्चा है, तो मुनासिब ख़र्चा तो ये मांगते हैं 8 लाख 9 लाख 10 लाख मांगते हैं। मुनासिब ख़र्चा 4 से 5 लाख 6 लाख भी ले रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 4, 4.5 लाख, 5 लाख में भी अपना सारा काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूरोप का एक कंट्री है, इसकी टिकट का भी काफ़ी ख़र्चा होता है। इसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग की, तो अकेली जो फ़ीस होती है वो 500 कुछ डॉलर होती है, मतलब 1 लाख से ऊपर उसकी से प्रोसेसिंग फ़ी होती है। नीचे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखें, शटरिंग कारपेंटर जनरल वर्कर चाहिए, 25 आईटी प्रोग्रामर 5 और मैसन 15 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई करें, $1000 सैलरी है इसकी आईटी प्रोग्रामर की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मिलते साथ अल्लाह।